चलो यही चाय है भाई, जो चाय हम घर में पीते हैं ना नमक वाली, कश्मीर में आमतौर ज़्यादा पी जाती है, तो वो चाय सभी इसी की बनती है। और लिप्टन चाय जो भी है। थ्री हमारा लोड पका हो चुका है भाई, पर्ची मिल गया, अभी जाएंगे तरबूज भरने। तो दोस्तों बैठे ही थे अपनी गाड़ी में और अपने साथ सब्जार भाई आ चुके हैं, क्योंकि मैंने व्लॉग ना अपना जो आज का था वो एंड कर लिया है, तो और सब्जार भाई आ गए, लेकिन इससे मैंने बातचीत करनी थी, मतलब अच्छा लगता है भाई से मिलके, तो मैंने कहा ना भाई को भी व्लॉग में ज़रूर लाऊंगा इंशाल्लाह, कल मैं नए सिर से फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगा तो उसमें ज़रूर लाऊँगा इस वीडियो। और सब्जार भाई कहाँ से आ रहे हैं? मैं आया अगरतला से। अगरतला से रबर लोड है? कहाँ के लिए? जलंधर। तो रोड वगैरह कैसी है? रोड बहुत डेंजरस है यार। अच्छा, बहुत ही। अगर मैं होता आपके साथ मजा आता है? बहुत मजा आता है खुदा की कसम, और पांच से ज्यादा। चलो क्या करें भाई, आज मैं यहाँ हूँ, ये वहाँ चला गया, तो कभी मिलेंगे इंशाल्लाह वहाँ से इकट्ठे, तो चक्कर लगाएंगे लांग, फिर इकट्ठे ही चलेंगे इंशाल्लाह। आप अब कश्मीर जाओगे ना? हाँ, कश्मीर, कश्मीर से सीधा वापस आएंगे इधर ही। हाँ, सेब लेके आना, आपने भी सेब लाए थे ना? हाँ, सेब लाए। कहाँ के? गुवाहाटी के। गुवाहाटी से वापस आ गए सिलीगुड़ी। अच्छा, वहाँ से भी माल लाया? मेरी तरह मैंने भी माल लाया। हाँ, मुझे पता है आपने भी माल लाया है। तो चलो भाई, माल लेके आ गए थे भाई यहाँ पे, यहाँ से फिर गए वापस अगरतला, और अगरतला से अब पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब से कश्मीर जाएंगे डायरेक्ट, फिर आएंगे मिलेंगे फिर पते हैं। तो टाइम 9 बज चुके हैं और यहाँ पे हम खाएंगे खाना वगैरह, और सब्जार भाई भी हमारे साथ आज इकट्ठे खाना खा के ये अभी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इनको अब रात को चलना है ना कंटिन्यू, तो सिलीगुड़ी सिटी एरिया, वहाँ नो एंट्री अभी खुल गया होगा, तो ये अभी सिटी से निकल जाएंगे, शॉर्टकट हो जाएगा है ना भाई, वहाँ से शॉर्टकट है रास्ता। तो चलो, ये रात भर चलोगे सोओगे? रात भर चलेंगे यार, फिर कहाँ पहुँचेंगे यार। अच्छा, जब नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे। चलो ठीक, अगर नींद आ गई तो लगा के सो जाना, बंदा तो गाड़ी चलाता है ना, मैं तो सो जाऊंगा बस, फिर क्या है। तो ये भाई अभी निकल जाएंगे, यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा है हमारा, और सब्जी है, दाल है, पता नहीं क्या क्या है, टमाटर प्याज भी है। तो चलो भाई खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आ चुके थे रात को फिर ढाबे पे, क्योंकि गाड़ी कल ना डिमांड कोई आई नहीं, कल तो यहीं पे आ गए, वहाँ रोड पे गाड़ी थी, वहाँ पे बहुत ख़तरा रहता था, और रात को यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क की, यहाँ पे रोकी थी गाड़ी, ये बिल्कुल सामने ढाबा है। तो अभी नींद से वगैरह उठे, 9 बज चुके हैं, क्या करना था थोड़ा आराम ही कर ली, तो अभी ट्रांसपोर्ट को फिर से फ़ोन किया है कि बोल रहा है कि आज देखता हूँ, आज है भी संडे है, तो चलो देखते हैं फिर क्या होगा। तो चलो चलते हैं, पहले फ्रेश वगैरह होके आते हैं, पहले नहा धो के आते हैं, और उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ ट्रांसपोर्ट पे, गाड़ी को तो यहीं पे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड है ना, रोड में ख़तरा है। आ जाओ आशिक भाई, तौलिया ले आना, तौलिया लाना है, कर दो गाड़ी लॉक। तो गाड़ी को लॉक कर दिए, वहाँ पे है पानी वगैरह, ढाबा भी है, अच्छा सुविधा है। चलो यहाँ पे नहाए धोएंगे पहले, और यहाँ पे ना पूरे रात को ट्रक वगैरह रुकते हैं भाई, पार्किंग करते हैं, 20-30 रुपये पार्किंग लेते हैं यहाँ पे ढाबे वाले। चलो अच्छी बात है, गाड़ी तो सेफ है ना भाई, टेंशन नहीं है। देखिए अब ये गाड़ियाँ अपने अपने वतन को निकल रही हैं, अपनी अपनी मंजिल की तरफ, देख रहे किसी गाड़ी में क्या लोड है, किसी में क्या लोड है, एक गाड़ी में ना ट्रैक्टर लोड है वहाँ पर। अपना साबुन ख़त्म हो चुका था, अभी लिया हमने साबुन और कोलगेट, ये दोनों चीज़ें लेके चलते हैं वहाँ पे, नहा के आएंगे फिर यहीं पे चाय वगैरह पी लेंगे। इस पे भाई कितने ट्रैक्टर लोड है आशिक भाई? एक ट्रैक्टर लेगा? तुझे कौन सा आता है चलाना? सब। हाँ, एक भी नहीं आएगा। मेरा तो यही था ना, सोना की। नहीं यार, कितने ट्रैक्टर हैं इस पे? एक गाड़ी पे 8 ट्रैक्टर लोड है। यहाँ पर बहुत अच्छा पानी है, अभी हम यहीं पे नहाएंगे। यहाँ पर मंगवाया हमने पहले खीर, खीर खाएंगे और उसके बाद ही चाय वगैरह का। Thank you.
दोस्तों चाय वगैरह पी ली और अपना नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, खा लिया सब कुछ, खीर वगैरह भी था, बहुत अच्छा ढाबा था बिल्कुल सामने ये वाला, देख रहे यहाँ पे काफ़ी ट्रक्स वगैरह लगे रहते हैं। तो चलो अपनी गाड़ी वहाँ पे है और चलते हैं यहाँ से, ट्रांसपोर्ट पे भी फ़ोन करेंगे क्या सीन रहेगा वहाँ पे माल का, और जाएंगे सब्ज़ी लाने, थोड़ा मार्केट में जाना है, सब्ज़ी लाएंगे। आशिक भाई आप जाओगे मार्केट अभी? जाओगे वहाँ बीकर का शॉप भाई, आ चुके सब्जी वगैरह लेके। और उस्ताद जी क्या हाल है? कुछ दिन का तो इधर देखा होगा, मेरा घर इधर ही भैया। हाँ भाई साहब ने लाया ऑटो में ना। और चाचा क्या हाल है? गोश्त ले आया। लाया गोश्त? लाया, चलो भाई ने गोश्त लाया। इधर देखो भाई कितना लंबा है भाई यार। चलो चलो टेंकल। तो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट पे, यहीं पे साइड पे है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे रोड पे जगह नहीं मिलती है गाड़ी लगाने की, हम यहीं पे आए थे, तो अभी जाएंगे हम वहीं पे। और ये देख यहाँ पे एक टायर में हमारे हवा कम है, आयर कम है, उसमें आयर डालनी है, अभी उधर डालेंगे अभी। आशिक भाई सब्जी बनाओ भाई। नहीं आज आप ही बनाओ। आज मैं बनाऊंगा? तो दोस्तों आज सब्जी मैं बनाऊंगा, मतलब मीट बनाया है आज, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, पुराना तरीका यूज़ करूंगा जब मैं कंडक्टर काम करता था, क्लासी काम। तो देखूंगा क्या पता आएगा आज या नहीं, क्या पता यार, मुझे नहीं लगता है आज मुझे सब्जी बनानी आएगी। जैसी भी होगी हम खाएंगे। अच्छा आप तो खाओगे लेकिन बनाने भी आनी चाहिए ना। क्यों नहीं आई? अच्छा आपकी तो एक्सपीरियंस है 12-13 साल। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सफाई, टमाटर भी काट रहे हैं आशिक भाई, और मीट भी, ये भी धोना है अभी, थोड़ा साफ करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई। तो दोस्तों हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, टमाटर प्याज और ये रहा चिकन। तो यहाँ पे प्रेशर भी रेडी हो चुका है, और गैस करते हैं, गैस को चालू, गैस चालू करते हैं, उसके पहले टमाटर डालेंगे, फिर उसके बाद मतलब मिक्स ही डालेंगे सब कुछ। तो दोस्तों ये सब कुछ ना हम पहले इकट्ठा ही डालेंगे, टमाटर प्याज और तेल ना थोड़ा बहुत खतरनाक है भाई। तो दोस्तों अब डालेंगे हम इसमें नमक, और नमक डाल के इसको ऊपर से कर देंगे बंद, ताकि सीटी दो तीन आएगी, उसके बाद ये पूरा गल जाएगा, फिर उसके बाद तेल वापस आएगा, बहुत मजा आएगा इसमें। Thank you.
तो दोस्तों एकदम हमारी मीट बन के रेडी हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा और रस डालेंगे तो बस एकदम फाइनल हो चुका है। हमारा लोड पका हो चुका है भाई, पर्ची मिल गया, अभी जाएंगे तरबूज भरने फ्लाइट अगरतला। तो दोस्तों खा लेते हैं खाना पहले, और खाना खाने के बाद ना बस हम रखेंगे फिर अपना सफ़र कंटिन्यू। 100-150 किलोमीटर जाना है जहाँ से लोडिंग होगी हमारी बंगाल बॉर्डर से अगरतला के लिए, और जल्दी जल्दी खाएंगे खाना तो निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे लाया था हमने तरबूज, एक वो भी काटा है, अभी खाना वगैरह तो खा लिया, अभी काट के इसको भी खा लेंगे। डेट में होगी लोडिंग, लेकिन यहाँ से वहीं पे जाके रात को रुक जाएंगे और सुबह देखते हैं बंदा आके वहाँ से ले जाएगा। तो इंशाल्लाह कल का अगले व्लॉग में आपको पूरा देखने को मिलेगा तरबूज, मतलब कहाँ से लोडिंग होता है, कितना होता है, कैसे निकलता है खेत से, पूरा उसका भी इंटरव्यू आपको देंगे। तो चलो जुड़े रहो वीडियो में, निकलते हैं करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट कंटिन्यू यहाँ से। तो दोस्तों पहुंच चुके थे धूपगुड़ी और चल ही रहे थे कंटिन्यू, तकरीबन 50-60 किलोमीटर क्रॉस किए और यहाँ पे मिले थे हमें चाय वाले गार्डन, और अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी थी। हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक क्यों ना जाएं, वीडियो शॉट थोड़ा बना लेते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो चलो यही चाय है भाई, जो चाय हम घर में पीते ना नमक वाली, कश्मीर में आमतौर ज़्यादा पी जाती है, तो वो चाय सभी इसी की बनती है। और लिप्टन चाय जो भी है, लिप्टन चाय और मतलब जितनी भी क्वालिटी की चाय वगैरह है वो सब यही चाय है भाई, इसी के बनता है सब। ये फैक्ट्री में जाती है उसके बाद ही इसका सब कुछ। देखो भाई, देखिए आशिक भाई कैसे लगे चाय गार्डन? नमकीन चाय, मुझे लगता है चाय ले जाएंगे हम घर, गाड़ी में बनाएंगे फिर हैं। तो ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो भाई, पूरा एरिया ना पूरा चाय वाला है, पूरा उधर भी उस रोड से पारली साइड भी, इस साइड भी पूरे चाय के खेत हैं ये।
पता नहीं अब यहाँ पे लोकल कोई होता है उससे हम पूछते कि इसकी भाई कैटिंग किस टाइम पे होती है, कब होती है और कब कब करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं तो हम मतलब खुद ही खुद रुके यहाँ पे। और ये नाला भी है साथ में, ये मतलब पानी के लिए रखा हुआ होगा, दिख रहे हो ये रास्ता रखा है साइड में चलने के लिए। इसी तरह ये मतलब कंटिन्यू ये पेड़ निकालते भी नहीं है, इसी तरह रखते हैं ये, देख रहे। वाह जी वाह, कितना अच्छा लग रहा है भाई, एक लेवल है ना भाई, एक ही देखें। तो चलो चलते हैं अब सीधे गाड़ी में, रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। अशोक भाई वीडियो ले लो, फोटो ले लो अपने लिए। तो दोस्तों पहुंच चुके थे बंगाल बॉर्डर पे और यहाँ पे रोकी अपनी गाड़ी, ये देख रहे बिल्कुल सामने यहाँ पे और भी ट्रक हैं, पेट्रोल पंप पे रुके। तो रात को रुकेंगे यहीं पे और सुबह व्यापारी आएगा यहाँ से, हमें लेके जाएगा खेत में, वहाँ से तरबूज लोड करेंगे अगरतला के लिए। और अभी टाइम 10 बज रहे हैं, रात को यहीं पे रुकेंगे, यहाँ पर और भी ट्रक हैं बहुत सारे, देख रहे पीछे बाकी ट्रक, तो यहीं पर रात को स्टॉप करेंगे और देखते हैं सुबह कितने बजे आएगा। तो दोस्तों अभी खाते हैं हम खाना वगैरह खा के करते हैं रेस्ट। तो दोस्तों करते हैं इसके साथ ही हम आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।